नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट। एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी समय से विद्यार्थियों की ये मांग चल रही है कि एग्ज़ाम डेट परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए, और इसके पॉजिटिव संकेत हमें मिल चुके हैं और इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और यूट्यूब पर भी आज और कल में कई वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं जिसमें विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा रहा है कि एग्ज़ाम की तिथि आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की अब पूरी संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, आज ही की न्यूज़ है। तो यहाँ ये दैनिक भास्कर की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं bhaskar.com। यहाँ पर आप देखिए स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2018 को लेकर CMO ने मांगी रिपोर्ट। उसके बाद आप डेट और समय यहाँ आप आगे देखें ताकि आपको न्यूज़ के बारे में लगे कि न्यूज़ बिल्कुल सही है। आज की डेट और समय आप यहाँ देख सकते हैं, December 29, 2018 4:42 पर ये न्यूज़ है, और कल के न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए बेरोजगार एकीकृत महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री, जो राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री हैं, गोविंद डोटासरा से मिला। अब इन्होंने यहाँ पर आगे आप देखिए मिलने का क्या रीज़न है, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी में आयोजित की जाने वाली स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2018 के संबंध में CMO ने आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में अभ्यर्थियों का एक ग्रुप मांग कर रहा है, जिसके लिए बेरोजगार एकीकृत महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा से मिला। आगे आप देखिए प्रदेश भर के इस भर्ती को आगे बढ़ाने के दबाव को देखते हुए CMO की ओर से आयोग को मतलब यानी कि RPSC को एक पत्र मिला है। इसमें जानकारी मांगी गई है कि ये भर्ती परीक्षा कब से कब तक आयोजित होने वाली है, कुल कितने पदों के लिए भर्ती हो रही है, कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। इन सब जानकारियों को आयोग से शीघ्र विवरण मंगाया गया है। तो यहाँ आप देखिए काफ़ी समय से विद्यार्थियों की मांग चल रही थी, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री से बेरोजगार एकीकृत संघ ने यहाँ पर मुलाकात की। यहाँ आप देखिए ये उपेन यादव हैं जो कि एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और जो विद्यार्थियों की मांग है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर RPSC से एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार हमें ये पॉजिटिव संकेत हमें मिलते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अब चांसेस लगते हैं और लगभग पूरी संभावना यही है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने वाली है। आगे आप देखिए CM और DPCM को दिए ज्ञापन। इस परीक्षा को आगे खिसकाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने CM अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री सचिन पायलट, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को ज्ञापन दिए हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस भर्ती की परीक्षा को महीने आगे खिसकाई जाए। तो यहाँ पर 5,000 पदों के लिए ये वैकेंसी हो रही है। तो ये आज की ये न्यूज़ आप देख सकते हैं स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2018 को लेकर। और इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाई जाए या नहीं, कितने विद्यार्थी ये चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जाए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस बारे में आप सभी का क्या विचार है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने के कितने चांसेस हैं नहीं हैं, कमेंट करके आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, उसमें भी मतलब जो एग्ज़ाम डेट का जो मुद्दा है आगे बढ़ाने का, वो न्यूज़ आपके सामने है प्रूफ के साथ। तब आगामी अपडेट का आप इंतज़ार करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की न्यूज़ आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक सूचना दी जाएगी। और ये राजस्थान का number 1 एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल
फैक्ट जानकारी आपको किसी भी प्रकार की चैनल के माध्यम से ना कभी दी है और ना कभी दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट आपको समय पर आपके मोबाइल पर मिलते रहें। धन्यवाद।